गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। टुडे आज हम क्लास थ्री कक्षा तीन का पहला पार्ट जो हमने पिछले कक्षा में किया था जो कि एक कविता था, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं जो चैप्टर का नाम मैंने लिखा हुआ है वन के फूल, यह एक कविता है। उसमें से मैंने आपको मौखिक प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ और रिसाइटेशन ऑफ द पोएम यानी कि कविता को किस तरह से अच्छे से उच्चारण किया जाए वह भी सिखाया था। तो आज मैंने लिखित प्रश्न का जो आखिरी प्रश्न था, मैंने आपको तीनों प्रश्न करवाए थे लिखित और मौखिक के, लिखित का जो आखिरी प्रश्न है उसका उत्तर भी मैंने लिखा है जो कि आप प्रश्न देख सकते हैं, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो यह कविता हमें क्या संदेश देती है उसके बारे में है ये। तो उससे पहले मैं आपको एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि हमने पिछले कक्षा में क्या किया था। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था उपवन के फूल। मैं चाहूंगा कि यह कविता आप मेरे साथ और एक बार दोहराए। हम उपवन के फूल मनोहर सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी, कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना, तुम भी जीवन जियो फूल सा सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। तो इस कविता को मैंने आपको समझाया भी था और मैंने इसके कवि का नाम भी बताया था जो कि है त्रिलोक सिंह ठकुरेला, और मैंने इसके कुछ शब्द अर्थ के बारे में आपको बताया था, जैसे कि पहला है उपवन, जैसे कि आप देख सकते हैं कविता का नाम ही शुरू होता है उपवन के फूल से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उपवन का अर्थ होता है बाग बगीचा, और जिसे अंग्रेजी में पार्क भी कहा जाता है। उसी तरह मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, आशा का अर्थ होता है उम्मीद, भाते मतलब अच्छे लगते, चाहत मतलब इच्छा, भेद मतलब अंतर, नेह का मतलब होता है प्यार, उसी तरह गंध का अर्थ होता है खुशबू या महक। और मैंने और एक शब्द बताया था आपको क्यारी के बारे में, क्यारी मतलब होता है छोटी मेड़ों यानी बाउंड्री से घिरा स्थान जिसमें पौधे लगाए जाते हो। मैंने आपके साथ मौखिक प्रश्न उत्तर को भी अच्छे से डिस्कस किया था, जैसे कि मौखिक में पहला प्रश्न था फूल सबके मन को क्यों भाते हैं, फिर दूसरा प्रश्न था फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं, और तीसरा यानी कि अंतिम प्रश्न जो मौखिक में था फूलों से हमने क्या सीखा। लिखित प्रश्न भी हमने तीन किए थे लेकिन आखिरी बाकी था जो आज हम करेंगे। तीन में से पहला था फूल जीवन में क्या जगाते हैं, फिर ख में था कांटों से घिरने का क्या अर्थ है, फिर ग था हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं। तो हमने तीनों प्रश्न के उत्तर मैंने आपको करवाया था, मैं चाहूंगा कि उन प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से घर में पढ़ें। तो आखिरी प्रश्न जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में, यह कविता हमें क्या संदेश देती है, तो इसका मतलब होता है इस कविता से हमने क्या सीखा क्या जाना। तो इस कविता में फूल हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कविता को बताते समय कहा था कि फूल से हम कई बातें सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें यही लिखना है कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी कि इस कविता से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है। तो उत्तर में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें भी फूलों सा जीवन जीना चाहिए, जिस तरह फूल विभिन्न तरह के होते हुए भी एक साथ एक ही उपवन में मिलजुल कर पूरी दुनिया को महकाते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक साथ मिलजुल कर अपने प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाना है। तो मैं इसका मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलती है, इस कविता से हमने क्या सीखा। तो यह कविता हमें यह संदेश देती है यानी इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी फूलों सा जीवन जीना चाहिए, कि हमें भी फूलों से जीवन फूलों सा यानी फूलों जैसा जीवन जीना चाहिए, जिस तरह फूल विभिन्न तरह के होते हुए भी यानी कि जैसे आप बाग या बगीचे में या पार्क में देख सकते हैं कि एक तरह का फूल नहीं होता है, बहुत तरह तरह के बहुत रंग के और बहुत नामों के अलग अलग किस्म के फूल होते हैं। तो उसी के बारे में लिखा है जिस तरह फूल विभिन्न तरह के होते हुए भी एक साथ एक ही उपवन में मिलजुल कर पूरी दुनिया को महकाते हैं, यानी कि जिस तरह फूल अलग अलग जाति के होते हुए भी गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, डालिया का फूल, वे सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपने
अपने जो गंध से, अपने सुगंध से पूरी दुनिया को या पूरे बाग या बगीचे को आप देख सकते हैं कि महकाते हैं। उसी प्रकार हमें भी, यहाँ पे हमें, हम बच्चों को, आप बच्चों को कहा गया है, उसी प्रकार हमें भी एक साथ मिलजुल कर अपने प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाना है। तो उसी प्रकार जिस तरह फूल अलग अलग होते हुए भी एक साथ मिलजुल कर रहकर अपने गंध को फैलाते हैं, उसी तरह आप बच्चों को भी एक साथ, उसी प्रकार हमें भी, यानी आप बच्चों को भी एक साथ मिलजुल कर अपने प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाना है। यानी कि हमारा जो, हमारे आप बच्चों के अंदर जो प्यार है उसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। तो मेरे साथ प्रश्न और उत्तर को दोबारा पढ़िएगा। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें भी फूलों सा जीवन जीना चाहिए। जिस तरह फूल विभिन्न, विभिन्न का अर्थ होता है तरह तरह के होते हुए भी एक साथ एक ही उपवन में मिलजुल कर पूरी दुनिया को महकाते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक साथ मिलजुल कर अपने प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाना चाहिए, महकाना है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को आप अच्छे से घर में पढ़ें। तो हमने आज लिखित का भी सब प्रश्न उत्तर कर लिया, शब्द अर्थ जो थे वो भी कर लिया और मौखिक भी कर लिया। तो मैं चाहूंगा कि आप घर में इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़ें और जो कविता मैंने आपको पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़ें। तो चलिए आखिरी में हम और एक बार कविता को दोहरा लेते हैं। उपवन के फूल, हम उपवन के फूल मनोहर सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, हिलमिल हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे या चाहत रही हमारी, कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना, तुम भी जीवन जियो फूल सा सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। इसी से हमारा ये पाठ लगभग समाप्त ही हो गया है, लेकिन कुछ सही उत्तर पर टिक लगाओ, फिर कुछ जैसे नीचे दिए गए शब्दों के समानतुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो और कुछ पर्यायवाची शब्द जानो। इसके बारे में मैं आपके साथ दूसरी कक्षा में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।